अस्सलाम असल मैं हूं सभी काजमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव नाजिन अभी जोह टाउन लाहौर का वाकया एक आपने भी सुना उस पर बहुत सारी तफसीत भी आपने सुनी इस वाक्य के मुख्तफ एंगल मैं आपके सामने रखने लगूं लेकिन उससे पहले पांच और मजीद पॉइंट इसके साथ जुड़े हुए हैं जो आपने समझने इस वीडियो में तब आपको ये सारा सीन आपके सामने क्लियर होगा और आपको समझ आएगी कि ये ये दिन इतने अहम क्यों हैं और इनमें क्या हो रहा है सबसे पहले एफ का एक इजलास है जिसमें हिंदुस्तान भी एक बड़ा अहम मेंबर है याद रखिएगा दूसरा आपने इमरान खान का इंटरव्यू देख लिया उस पर जो डीप मीडिया पॉकेट्स की बात हुई राजा जफरल्ला के इंटरव्यू में आज सुबह बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ और चौथा सबसे अहम नुकता जनरल कमर बाजवा पर नाकाम हमला हुआ उसकी साजिश अफसरों की गिरफ्तारी और भारतीय मीडिया में ये चर्चे सारा दिन खबरें चलती एक और अहम खबर आपको बताएं पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की हत्या की साजिश नाकाम हो गई है बाजवा की हत्या की साजिश रचने वाले चौदह पाक आर्मी के अफसर गिरफ्तार किए गए हैं पीटीएम कराची में मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करती रही उस्मान काकड़ की दुनिया से रुखसती पर और जानी खेल अमन मार्च का एक मामला जो मार्च की तब लाने की कोशिश वो भी इन दिनों में शुरू करते हैं ये इलाका लाहौर का बड़ा पोष इलाका है यहां पर रहने वाला एक अहम शख्स अब मैं नाम उनका इसलिए नहीं ले सकता आपको पता है क्यों हिंदुस्तान 2008 से मुतालबा कर उन्हें हवाले करने का अमेरिका ने उनके सर पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ है अब आप उनकी अहमियत पर गौर कर लें कि क्यों उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम एफ ए टी एफ से अभी तक ना निकलने की वजह जोह टाउन में मौजूद ये शख्सियत ये एक गाड़ी और कहा जाता है गैस ये सारा झूठ है भरी हुई गाड़ी थी लोडेड गाड़ी थी इनके घर के करीब है फहीम नामी एक एनी शाहिद उसने भी इंटरव्यू दिया एक बड़े इदारे को कि वहां पर चेक पॉइंट्स लगी हुई हैं इनके घर के पास उस पर वहां पर यह गाड़ी मौजूद थी मुकम्मल तौर पर तैयार गाड़ी और उससे इस पर हमला था अब यह है कि लोग उसके अंदर कौन थे और यह किस यह सामान पहले से भरा हुआ था यह उसने नहीं बताया अब उसमें शायद बारह लोग जख्मी हैं तीन चार लोग जो हैं वो अल्लाह के पास चले गए लेकिन इस शख्सियत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं नाम नहीं बता रहा कमेंट्स में जाहिर है लोग उनका नाम ले लेंगे इन्हें आपको पता है जो फंडिंग से मुतल पाकिस्तान में एक मुकदमा है इन्हें इनके साथियों समेत साढ़े दस साल की सजा जिसमें एक लाख दस हजार जुर्माना और लाहौर की एक अदालत ने इन्हें दो मुकदमात में कैद व मुशक्कत भी सुनाई गुजरा वाला की अदालत ने इन्हें पांच पांच साल जो है वो इनको सजा सुनाई हुई है अच्छा तेईस अक्टूबर दो हजार बीस को जूम पर होने वाली एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अदारे के जो सरबरा एफ ए टी एफ के डॉक्टर मार्क्स प्ले है उसने पाकिस्तान के मुताल कहा था कि सत्ताईस में से जो छह सफारशात बच गए हैं वो बड़ी संगीन तर्ज की उनमें से एक इनके मुतल थी पूरी की पूरी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इन्हें बाकायदा तौर पर जी रियासत सरप्रस्ती करती है उनका एक असासा है इसीलिए इनकी लोकेशन को ट्रेस करना नामुमकिन है यह बयान थे उन ममालिक कि जी हमने दस मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है डॉलर का अमरीका हिंदुस्तान इसराइल भी पीछे हैं लेकिन इन्हें हम ढूंढ नहीं सकते इसलिए कि रियासत इनकी मदद कर रही है लेकिन रियासत का मौकाफ है कि हम खुद सजा दे रहे हैं हम किसी की डिक्टेशन पर क्यों काम करें इनके अकाउंट्स मंजमद कर दिए गए इन्हें सजा मिल चुकी है अब इनकी जो ख़र्चा था ये गहने का एक लाख रुपया खर्चा है तकरीबन जिसमें पचानवे हज़ार पेंशन है और कुछ डेढ़ एक लाख इनका बेटा इनको देता था हुकूमत पाकिस्तान को ये मुकम्मल इतमान था कि ये अब किसी भी शिद्दत वाली सरगर्मी में अब हिस्सा नहीं लेंगे और जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था इन कामों के लिए आपको पता है और उनकी रुकनीत थी इस जमात के साथ इस वजह से इन्हें ग्यारह साल की सजा सुना रहे हैं लेकिन पड़ोसी मुल्क अमरीका जिंदा नहीं देखना चाहते वो कहते हैं जी जोर टाउन अब ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और आगे आप देखेंगे कि मजीद कोशिशें होंगी लेकिन ये सारे मामलात यहां पर रुकनेगे नहीं आप देखिए कि सारा दिन हिंदुस्तानी मीडिया जो था वो पाक फौज में जनरल बाजवा पर साजिश पर हमला आजाद कश्मीर के दौरे के दौरान अब ये चलना शुरू हो गई खबरें क्यों एक एटमी मुल्क का चीफ ये बताना चाह रहे हैं जी सेफ नहीं है फौज में बगावत है हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो बरतानिया में मौजूद एक पाकिस्तानी शख्स है जो एक्टिविस्ट अपने आप को कहता है और वो पाकिस्तान के इलाके कश्मीर से उसको उसका तल्ला साफी कहता है मेरे हम में साफी का स्वाद या जर्नलिज्म का जेज को पता नहीं होगा अब कुछ और ना मैं कह दूं इसलिए उन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं कि कुछ अफसरान ऐसे हैं जो जनरल कंबर बाजवा के पीछे पड़े हुए थे एक्सटेंशन की वजह से जी ये सुने न एक्सटेंशन का अब हुई अभी तक पीछे हैं तीन दिन पहले उसने खबर सुनाई और पहुंचा दी हिंदुस्तानी मीडिया को किसी किस्म की कोई शदाकत नहीं पाएगी इस शख्स का कोई कैडर नहीं है उसकी कोई प्रोफाइल नहीं है बिल्कुल एक नाम नेहादी जो अपना नाम तक शायद सही ना लिख सकता हो उसके नाम को सोर्स बनाकर ये खबरें चलाएगी और आगे कुछ यूट्यूबर ने इंग्लैंड से आगे इसको फैला दिया लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया अब इसको प्रॉपर चला रहा है एक मुनजम इदारा अपने लीडर के पीछे मौजूद है फौज जिसका नाम है ज़ाती हैसियत कोई नहीं होती अभी एक मेजर जनरल का केस आप देख रहे होंगे जिसे तरक्की नहीं मिली तो उन्होंने भी मुझे क्यों निकाला इसका विरध शुरू कर दिया है पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया है चैलेंज उन्होंने किया है जी कि ये तरीका कार हैं ठीक नहीं भाई आप फौजी हैं आप तरीका कार ढूँढ रहे हैं कि आपकी तरक्की नहीं हुई इसलिए यहां पर देखें एक हवलदार को नौकरी से ना बल्कि एक चौकीदार को आप निकाले वो दरवाजा गन लेके बाहर दरवाजे पे खड़ा हो जाए कि जी मुझे क्यों निकाला ये मियाँ साहब ने एक जो कोम को क्रेडिट दिखा दिया किसी को अब नौकरी से ना निकालें बस चाहे वो काम करें ना करें ये तो खैर फिर मेजर जनरल थी लेकिन ये खबरें क्यों फैलाई जा रही है ये बड़ी अहम बात है और इन्हीं को शायद डीप पॉकेट्स कहते हैं जिसका एक पहलू आपने इमरान खान के इंटरव्यू में देखा कैसे एडिट किया गया आज बाखुदा मुझे एक ऑस्ट्रेलियन ने मैसेज करके कहा यार ये तुम्हारा इंटरव्यू ये तो सारा प्राइम मिनिस्टर का ये सारा एडिट हुआ हुआ था मैंने साहब मुझे पता है और उस पर प्रोग्राम भेजे हंसको राजा जफरको भी इस्तेमाल किया फिर उस्मान काकड़ और जानी खेल ये जो वाक है उस पर भी सियासत हो रही है कराची में आगा खान अस्पताल के अंदर वर्दी के ऊपर नारे लगे इसके पीछे अब नारे लगे ये माउल्ला काकड़ बलुचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला से है ये इन लोगों को वर्दी का पता है ये शायद नहीं पता जो मैं बता रहा हूँ ये अपने घर में गिरे हैं इन्हें सर पर चोट लगी कोमा में चले गए किला सैफुल्ला में देखें कोई अस्पताल नहीं है वहाँ पर वो इलाका इतना कोयटा इतना पसमानदा फिर उन्हें कोयटा ले गई और फिर वहाँ से बिलावल ने, ने कराची के आ खान अस्पताल शिफ्ट कराया अब ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लीडर थे जो यहाँ से देखें इनकी जो जो जीती हैं अब इन्होंने एक अस्पताल वहाँ ऐसा नहीं बनाया कि जहाँ इनके अपने लीडरान का इलाज हो सके जुल्म देखें जरा इल्ज़ाम फौज भेजी कि हमें अस्पताल नहीं बनाने देते दे। और भाई किसने हाथ पकड़ा हुआ था अरसे से हुकूमत कह रहे हैं आप एक अस्पताल ही बना लो अपने लिए बना लो भाई छोड़ो आवाम को आगा खान अस्पताल में इलाज शुरू हुआ लेकिन सर पर चूँकि चोट लगी थी कोमे में जा चुके थे ब्रेन हेमरेज भी हुआ तो वो फिर उस अस्पताल में जानवर ना हो सके अपने खाले के हकीकी से जा मिले अब कराची के जिना अस्पताल में देखें ये कराची का अस्पताल है याद रखिएगा जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है बिलावल भुट्टो के आसफ अली जरदारी साहब के अंदर वहाँ उनका पोस्टमार्टम हुआ वहां रिपोर्ट जारी हुई कि जी इनका जिसम पर कोई तशद तो का निशान नहीं और उस्मान काकड़ की मौत एक तबीयी मौत है लेकिन चूंकि कॉम परस्त हमारी जो उधर जमात है वो इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है आपको जिसम चाहिए होते हैं सियासत करने के लिए चाहे वो जिंदा हो या मरे हों कोम परस्तों ने उस्मान काकड़ की मौत के बाद ये इनकी कैश कराना शुरू कर दिया और नारे क्या लग रहे हैं वहां पर आप देख लें कि जी नामालूम अफराद ने हमला किया ब्रेन हेमरेज हुआ घर वाले खुद कह रहे थे बाद में इन लोगों की वजह से प्रेशर में वो भी आ गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई जिसमानी तशद का निशान नहीं है बहरहाल इन लोगों को ये सोचना चाहिए था इस सारे मामले में कि आप लोगों को हल्के के लोगों को बुनियादी सेहत यहाँ मैसर नहीं है दूसरी जो जायज़ आपकी सहूलियात है वो आपको मैसर नहीं है आप जमूियत के चैम्पियन बने हुए इस जमूरीत को चाटना है आपने आपके पास ना खाने के लिए रोटी नहीं है और हुकूमत इन लोगों की सारी ज़िंदगी काम इन्होंने एक ही किया नफरत की सियासत और इतनी नफरत सिखा दी कभी ये सुबाइत के नाम पर लोगों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कभी लसानियत के नाम पर और ये ख़ुद जो है ये कराची के अस्पतालों में इलाज करवा लेते हैं जाके वहाँ से लेकिन गरीब वोम तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकती उन्हें नज़र ही नहीं आना इस बार इनशाला फिर किसी अगली वीडियो में मैं मजीद इस टॉपिक पर बात करूँगा और इस पर आपको बताऊँगा कि और क्या मसाइल है लेकिन ये जो जौहर जो टाउन का मामला है इस मामले को अब देखें ये आगे बढ़ेगा इस मामले को ले लें आर्मी चीफ़ के बारे में ये जो साजिश बनाई गई है मीडिया में इसको ले लें ये आप कौम प्रस्तों का वाक़ ले लें फिर इसके अलावा आप ये उस्मान काकड़ का वाक़ा ले लें आप इन सारे वाक्यात को देखें कि ये सारे वाक़ क्यों एकदम हो रहे क्यों नारखी फैलाने की कोशिश की जा रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह नीचे लाना है मीशत मैदान में माशी मैदान हो चाहे जो मैदान लेकिन इन शजीज़ अल्लाह हमारे साथ है मेरा पक्ा ईमान और यकीन है कि ये साजिशें सारी जितनी मर्जी जो मर्ज़ी का लें आखिर में इंशाल्लाह जीत जो वो पाकिस्तान की ही होगी और आप लोग दुआ करें बस अल्लाह ताला हमारे ये जो मसाइल से निकाले हमें हम आगे निकलें इनसे आगे बढ़ें उन मसाइल से हटें निकलें और ताकि आगे हम अपनी मोशत के बारे में अच्छी अच्छी खबरों पर बात करें आप तक पहुँचाऊँ अपना खास ख्याल रखें अगली वीडियो तक लिए मुझे इजाज़त दें